नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सूरजमुखी की फसल खरीदने में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग को लेकर हरियाणा के किसानों ने दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री द्वारा इस बाबत दी गई राहत से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले के पीपली गांव में आयोजित एक महापंचायत में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया। भीड़भाड़ से बचने के लिए ट्रैफिक को दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर डाइवर्ट किया गया है। हरियाणा, पंजाब, यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसान नेता अपनी मांग को लेकर MSP दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत के लिए पीपली अनाज मंडी में एकत्र हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 36,414 एकड़ में उगाई गई सूरजमुखी की फसल के लिए 8,528 किसानों को अंतरिम भरपाई के रूप में शनिवार को डिजिटल रूप से 29.13 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में BBI के तहत सूरजमुखी की फसल को शामिल करने की घोषणा की थी, एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार किसानों को MSP से नीचे बेची गई उपज के लिए एक निश्चित मुआवजे का भुगतान करती है। राज्य सरकार में MSP से नीचे बिकने वाली सूरजमुखी की फसल के लिए योजना के तहत अंतरिम सहायता के रूप में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार सूरजमुखी को 6,400 रुपए प्रति क्विंटल की MSP पर खरीदे।